26 जुलाई वो दिन जिसे याद करके हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, तो ये दिन याद करके आज भी पाकिस्तान कांप जाता है। आज पूरे देश में करगिल की विजय गाथा गूंज रही है। आज से ठीक 23 साल पहले करगिल, बचालिक और द्रास के दुर्गम पहाड़ियों में छिपे पाकिस्तानियों को भारतीय फौज ने मार गिराया था। करगिल विजय के मौके पर आज देश भारत माँ के वीर सपूतों को नमन कर रहा है। तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शौर्य स्मारक पर पहुंचकर यहां पर करगिल में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वक्त रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख आज विजय दिवस के मौके पर द्रास, करगिल समेत दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वॉर मेमोरियल दिल्ली से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, द्रास की तस्वीरें, और ये द्रास जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं। करगिल में द्रास में भी युद्ध हुआ था और यहां पर कई वीर सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर की थी। और ये देखिए एक रोटेशन में, एक फॉर्मेट में ये फाइटर प्लेन आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त सलामी देते हुए और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन तमाम वीर सपूतों को जिन्होंने अपने देश की आन बान शान के लिए अपना जान, अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वस्व भारत माँ की रक्षा करते हुए न्यौछावर कर दिया। और देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। करगिल दिवस के मौके पर आज वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।